अब आप सोच रहे होंगे कलश यात्रा का भाव क्या है। यानि कानि चपा पानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षणां पदे पदे। जीवन में मनुष्य से अनेक पाप होते हैं। कुछ पाप जान करके होते तो कुछ पाप अनजाने में भी हो जाते। अब कहोगे जानबूझ करके पाप कौन करेगा? जानबूझ करके पांच तरह के पाप तो हम नित्य करते हैं। गिनवाऊं कौन कौन से? कंडनी, पेशड़ी, चुल्ली, उदकुंभी, चमार्जनी, पंचसूना, गृहस्थस्य तावी स्वर्गम न विद्यते। जो भोजन बनाते हो ना, अब तो घर घर में किचन आ गई ना। पहले रसोई घर हुआ करते थे। रसोई घर का मतलब था जहां रस ही रस टपके होता था रसोई घर। अब तो किचन आ गई, जहां किच किच बाजी होती रहे वो किचन। पहले चूल्हे होते थे, चूल्हे में ईंधन से भोजन सिद्ध होता था। तो उस ईंधन के अंदर न जाने कितने छोटे छोटे जीव मर जाते थे, मरते थे। पहली हत्या गृहस्थ से ये होती, दूसरी हत्या जिस समय माताएं झाड़ू लगाती हैं। पहले तो अलग भाव था जी, भगवान का संकीर्तन गाते थे। अब थोड़ा अलग जमाना आ गया है, इसलिए राम कथा की मर्यादा है ना, मैं वो ज्यादा कहूंगा। अब झाड़ू लगाती है, उस समय छोटे छोटे चींटी हैं और भी नन्हे नन्हे जीव हैं, मर जाते हैं। पैदल चलते समय न जाने कितने जीव मर जाते हैं। चौथी हत्या, जिस अन्न को हम खाते हैं उस अन्न के अंदर छोटे छोटे न जाने कितने जीव छुप करके बैठे रहते हैं। कहते हैं ना, चना के साथ में गुनाऊ पिस जाए। गेहूं के अंदर न जाने कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, घुन आदि जो पिस जाते हैं, जिन्हें हम खा जाते हैं। नित्य प्रदक्षिणा करने से, ठाकुर जी की परिक्रमा करने से इन सब प्रकार के पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। पांच तरह के यज्ञ भी बताए शास्त्रों ने। अग्नि में ग्रास डाले, गाय के लिए रोटी निकाले, ब्राह्मण के लिए रोटी निकाले, कुत्ते के लिए निकाले, चींटियों के लिए डाले। ठाकुर जी प्रथम दिन राघवेंद्र सरकार प्रथम दिन पूरे नगर को दर्शन दे करके आए। जो सामर्थ्यवान है वो तो कथा पांडाल तक आ जाएंगे, लेकिन कुछ बेचारे अपाहिज हैं जो कि यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, मजबूरी है कुछ न आने की। तो इसलिए मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं, सभी को घर घर जाकर के दर्शन दे करके आए। और फिर भी अगर कोई दर्शन ना करे तो अभागा। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जरा जय सियाराम।